न्यूज 18 पर आप महाकवरेज देख रहे हैं। दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है और सबसे पहले आपको बता दें 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ गया है। वो आंकड़ा हम आपके आगे रखने जा रहे हैं। 11 बजे तक कुल 24.31% मतदान उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। जिन 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं 24.31% लगभग 24% मतदान हुआ है अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर लोकसभा सीट वाइज बात की जाए तो मेरठ में 25% से ज्यादा पोलिंग हुई है, अमरोहा में 28% से ज्यादा वोट पड़े हैं, तो गाजियाबाद में लगभग 23% के आसपास मतदान की खबर है। अलीगढ़ की बात की जाए तो 24% से ज्यादा मतदान यहां हो चुका है, मथुरा में लगभग 23% के आसपास वोटिंग हुई है, तो बागपत में 21% मतदान की खबर है। बुलंदशहर में 23% से ऊपर लोगों ने वोट डाल दिया है, तो गौतम बुद्ध नगर में भी 24% से ज्यादा पोलिंग की खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिन 8 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं, कहां कितना मतदान हुआ है, एक एक करके लोकसभा क्षेत्र वाइज वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कुल मतदान बताते हैं। यूपी की 8 सीटों पर 11 बजे तक 24.31% मतदान हुआ है। 9 बजे के बाद ये दूसरा आंकड़ा सामने आया है जहां पर कुल सीटों पर मतदान अभी तक 24% से ज्यादा हो चुका है। मेरठ में 25% से ज्यादा वोट पड़े हैं, अमरोहा में 28% से ज्यादा, गाजियाबाद में 23% से ज्यादा मतदान की खबर है, तो अलीगढ़ में 24% से ज्यादा पोलिंग हुई है, मथुरा में 23% के आसपास, बागपत में 21%, तो बुलंदशहर में 23% से ज्यादा मतदान हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में 24.48% मतदान की खबर है। तो अभी तक का पोलिंग परसेंट हम आपको बता रहे हैं, कहां कितना मतदान हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल इस बार जोर लगाया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से भी, पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से भी, कि दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज को और बढ़ाया जाए। पहले चरण के बाद जो आंकड़ा सामने आया था उसने तमाम राजनीतिक पार्टियों को निराश किया था और उनका ये मानना था कि उम्मीद से कम मतदान हुआ है। 2019 से तुलना की जा रही थी, जो आंकड़ा रखा जा रहा था कम मतदान यहां पर देखने को मिला, तो इसीलिए दूसरे फेज में इस पोलिंग को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए राजनीतिक दलों ने भी अपील की, बड़े चेहरों ने अपील की, चुनाव आयोग की तरफ से कैंपेन चलाए गए और लगातार मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी लोगों को अवेयर कर रही हैं कि वो आज के दिन को छुट्टी का दिन मान के अपने घर ना बैठें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, देश के प्रति जो दायित्व है उसे पूरा करें, वोट डालें, पहले मतदान फिर जलपान। और इस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, बड़ी खबर गाजियाबाद से। यहां पर ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर है। बूथ नंबर 140 पर ईवीएम खराब हो गई है। करीब 20 मिनट तक यहां मतदान रुका रहा, हालांकि उसके बाद उसको ठीक कर लिया गया और वोटिंग फिर से शुरू की गई। तो गाजियाबाद से खबर आई है, ईवीएम खराब होने की खबरें कई बूथों से आई लेकिन फौरन उनको दुरुस्त कर लिया गया और फिर मतदान शुरू कराया गया। गाजियाबाद में भी 20 मिनट तक वोटिंग रुकी रही, बूथ नंबर 140 पर ईवीएम खराब हुई, उसके बाद उसको रिपेयर किया गया और फिर वोटिंग शुरू कर दी गई। गाजियाबाद में ईवीएम करीब 20 मिनट तक खराब रही, जिसको ठीक किया गया, तब तक वोटिंग रुकी रही और 20 मिनट बाद जाकर एक बार फिर से मतदान वहां पर शुरू हो गया है।